बरकातहु। मेरा नाम ख्वाजा सफदर अली, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट R&B निज़ामबाद, और यह मैला मौलापल्ली निज़ामबाद है जो मुस्लिम अक्सरीती इलाका है। यहाँ पर एक अरसे दराज पहले एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका मकसद सिर्फ ये था कि गर्ल्स जूनियर कॉलेज फॉर उर्दू मीडियम के लिए, मगर 2008 में इनाग्रेशन होने के बाद आज तक इसका इफ्तिताह अमल में नहीं आया और यहाँ कोई कॉलेज इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इसकी करस्पॉन्डिंग YSR राजशेखर रेड्डी साहब के पास तक गई और राजशेखर रेड्डी साहब ने इंडस्टमेंट दिया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्रुप को। यह 2010 और 11 के एकेडमिक ईयर में यहाँ स्टूडेंट्स को इसको फॉरन बोलते उसे इस्टेब्लिश करें, मगर बदनसीब ये है कि इसके पास से कोई पेशरफ नहीं हुई है और ऐसे हालात में बिल्डिंग गैर समाजी अनासर का अड्डा बन गई है और यहाँ कोई नुकसान हाल नहीं है। तो इसी हमारी नुमाइंदगी पर शकीर अली साहब से भी नुमाइंदगी करे, तायर बिन हमदान साहब से भी नुमाइंदगी करने के बावजूद रेवंत रेड्डी साहब ने अपने तमाम सबॉर्डिनेट स्टाफ यानी कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्टर और निज़ामबाद के DIEO साहब को और जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल कोर्ट गली को अपने अहकाम के जरिए ये अहकाम दिए कि यहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्शन किया जाए। तो लिहाजा आज कलेक्टर साहब के हुकुम पर असिस्टेंट कलेक्टर साहब और ये प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज और कोट गली के प्रिंसिपल साहब आकर विजिट करें और ये शॉप जितने भी डैमेजेस है प्याच वर्क करने के ताल्लुक से R&B एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत दी गई है, मगर इन्होंने भी इस्टीमेट बनाकर जितना जल्द हो सके ये प्याच वर्क के काम तकमील होते ही और इसका अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद ये काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में यहाँ स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने के लिए अकोमोडेशन मिल जाएगा, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। और आप तमाम हज़रात से इस बात की अपील की जाती है कि इस सिलसिले में हमको सही कुछ मशवरा है तो दे सकते हैं और हम इसी फिक्र को लेकर आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये बच्चियों के लिए बहुत ही बेहतर नतीजे सामने आएंगे ये कॉलेज शुरू होने के बाद। और इससे ज़्यादा आप जो ये काम को पेशरफ्त देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा मोहम्मद अली शबीर साहब का और तुम्हारे ताहिर बिन हमदान साहब का और दीगर हमारे साथियों का है। हम उसके शुक्रगुजार और ममनून हैं और उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि इस सिलसिले को और मज़ीद बोलते थे डिले करने के बजाय जहाँ तक हो सके इसको पेशरफ्त को आगे बढ़ाते हुए पाए तकमील को पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि नागराम एड़पुर वो तुम्हारे जानकम पेट और इधर दिगर मुकाम से बच्चे आ रहे हैं और इनकी माशी पसमानदगी की वजह से बहुत से बच्चे अपनी तालीम को तर्क कर रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज में जाकर इतनी भारी भर फीसें अदा करने से खासिर है। और ये निज़ामबाद की तकरीबन 40% मुस्लिम आबादी है, उसके लिए सिर्फ एक ही जूनियर कॉलेज कोट गली है जहाँ 600-700 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ ज़रूरत ज़िंदगी के कोई ज़राए वसाइल नहीं है, कोई मुहैया नहीं है,
कोई मेंटेनेंस नहीं है। इतनी शानदार बिल्डिंग जो 40-50 लाख रुपए की सरफेस से बनाई गई है, आज बेसरो सामानी और तबाही की निशानी बनकर रह गई है। और इसके सामने से कई लीडर्स गए हैं मगर इससे इस तरफ तवज्जो नहीं दिए हैं। मैं अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ कि ये कार्रवाई यहाँ तक आई है और इंशाल्लाह बहुत अनकरीब ये काम पाए तकमील को पहुँच के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए अकोमोडेशन का बाइस बनेगा।